वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज हम आपको इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेस्ट फाइटर जेट रफेल में इस्तेमाल होने वाली एयर टू सरफेस सबसोनिक क्रूज मिसाइल स्कैल्प या स्टैम्प शैडो के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत बनाती है। स्कैल्प या स्टैम्प शैडो एक एयर टू सरफेस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे ब्रिटेन की कंपनी MBDA के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने 2016 में ही इसे रफेल के साथ फ्रांस से खरीदा था। इंडियन एयरफोर्स के रफाल के द्वारा एक बार में ऐसी दो मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है। आइए अब इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये मिसाइल का टोटल मास 1300 केजी है। इसकी लेंथ 5.1 मीटर तथा इसका डायमीटर 0.48 मीटर का है। बात करेंगे इसके टॉप स्पीड की तो इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 0.8 से लेके मैक 0.9 तक है, जो लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर है। ये मिसाइल 560 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज के साथ आती है तथा इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 30 मीटर से लेकर 40 मीटर तक है। ये मिसाइल टोटल 450 केजी के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल को पावर देने के लिए इसमें एक टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होता है तथा इसके पंखों का फैलाव 3 मीटर है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट जैसी फीचर्स के साथ आती है। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल को फायर करने से पहले ही इसमें टारगेट के इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है, जिससे इसे फायर कर दिए जाने पे ये मिसाइल खुद ही उस टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। स्कैल्प मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम के तौर पे इनर्शियल GPS और इमेजिंग इंफ्रारेड जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लो ऑब्जॉर्बल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्टील टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जब इसे दुश्मन की टारगेट पे फायर किया जाता है तो दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता है। इस मिसाइल की यही स्टील टेक्नोलॉजी इस मिसाइल को बहुत खास बनाती है। इस मिसाइल के द्वारा दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, एयर बेसेस, एयरफील्ड, पावर स्टेशन, ब्रिज जैसे हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। स्कैल्प मिसाइल एक वॉर प्रूवन मिसाइल है। इंडिया के साथ साथ 8 और देशों के द्वारा इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्रांस, सऊदी अरेबिया, UAE, UK, ग्रीस, इटली और इजिप्ट शामिल हैं। इस मिसाइल के कॉस्ट की बात करें तो इस मिसाइल की एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 1.27 मिलियन US डॉलर है। इस मिसाइल के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स पे एक बढ़त मिलने वाली है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को मैच करने के लायक ना तो पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल है, ना ही चाइना के पास कोई मिसाइल है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का भी इस्तेमाल करती है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जय हिंद।